आज सुबह टाइम्स टीम देशवासियों को स्वागत करती है। आओ मिलकर दिन प्रतिदिन हम सभी लोग जय जवान जय किसान की जय जयकार करते रहें। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आप सभी किसान भाइयों के लिए खास रिपोर्टिंग आप देख रहे हैं। उत्तरी भारत उत्तर प्रदेश से कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने गांव-गांव जाकर किसानों की फसल और बढ़िया उत्पादन हो इसे देखते हुए विभिन्न तरह के कृषि संबंधित प्रशिक्षण दे रहे हैं और यह जानकारी मुहैया और सभी नौयुवा साथी जो पढ़े लिखे लोग हैं कृषि संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, खेती में आगे बढ़ना चाहते हैं और आर्थिक स्थिति और स्वावलंबी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, उन भाई बहनों और सभी खेतों में फसल को लेकर मेहनत कर रहे फसलों की अच्छी तरह से आर्थिक स्थिति और मजबूत हो और फसल जो है तेजी के साथ आगे बढ़े और इसे देखभाल भी करने की, जिस तरह से किसान आज जो है बहुत ही आर्थिक स्थिति से सुधार की जा सकती है, इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार विभिन्न तरह के गांव के किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उन्हें और स्वावलंबी मजबूती के साथ आगे बढ़ने की जो है हमेशा चेष्टा की जा रही है। धान की फसल तो बीत चुकी है, गेहूं की फसल चल रही है, मटर सरसों और सब्जी में भी मशरूम मधुमक्खी पालन आदि का भी सरकार द्वारा योजनाओं का लाभान्वित आम व्यक्ति यानी नौयुवा साथी आज बखूबी से उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार गांव के किसानों को मजबूत करने के लिए रोजगार के नजरिए से स्वावलंबी बना रही है और उन्हें रोजगार भी मुहैया करा रही है, उन्हें ऋण दिया जा रहा है। जिस तरह से कृषि संबंधित जो है ऋण दिया जा रहा है या किसान भाई अत्यधिक मात्रा में क्रेडिट और बनवा रहे हैं, विभिन्न तरह के योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है जिससे कि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके और यह गांव के पढ़े लिखे नौयुवा साथी महिलाएं बच्चे सभी लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं और खेती बाड़ी भी बड़े हर्षोल्लास से साथ देखते हुए देखा जा सकता है। फायदा भी उन सभी परिवार को मिल रहा है, पालन पोषण भी अच्छी हो रही है। देश के सभी किसानों से अपील है कि आप सभी लोग वैज्ञानिक तौर तरीकों से सीखते हुए कृषि संबंधी जानकारी जरूर से जरूर लें, क्योंकि हर जिले में एक जो है वैज्ञानिक कृषि विश्वविद्यालय का जो आप देखते हैं वह आपको प्रशिक्षित किया जाता है। विभिन्न तरह के ग्राम वासियों द्वारा या जो है उन्हें प्रशिक्षित करने का एक अवसर मिलती है सरकार द्वारा लगातार, या आप जो है इसका लाभ कृषि संबंधी जानकारी मुहैया कर सकते हैं और आप जो है इसका अच्छी तरह से लाभ ले सकते हैं। हमें आप दे रहे हैं शशिकांत शेखर जी की एक खास रिपोर्ट, आप देखिए उत्तर प्रदेश से। और सबसे बड़ी चीज है कि एक रुपए महीने में जो आपका बीमा होता है सबसे सस्ता, इससे सस्ता बीमा दुनिया की कोई भी बीमा कंपनी नहीं दे सकती। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि एक रुपए महीने के हिसाब से साल से कितना 12 रुपए हुआ, मात्र 12 रुपए में 2 लाख का बीमा आपका होता है। आइए बैंक आप जाइए, जब तक आप बैंक में कहेंगे नहीं मैनेजर से या ग्राहक सेवा केंद्र में कहेंगे नहीं तब तक वो नहीं कर सकते। करता हूँ आपके बड़े सुपुत्र पांडे जी तथा सिंह साहब और यहाँ पर उपस्थित सभी जनता जनार्दन। आज का ये कार्यक्रम किसान क्लब का मीट विद एक्सपर्ट प्रोग्राम है, जिसमें हम विशेषज्ञ जो हमारे लिए विशेषज्ञ किसानों के लिए बैंक के लोग, कृषि विभाग के लोग या फिर जो है पशुपालन के जो डॉक्टर होते हैं, पशुपालन विभाग के लोग विशेषज्ञ में किसानों के लिए वही लोग विशेषज्ञ माने जाते हैं जिनका जिनके साथ में हमारा सीधा जो है तालुकात है इस कार्यक्रम से। तो आज का ये कार्यक्रम कृषक क्लब जो यहाँ पर बना है, देखें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि नाबार्ड
जिसका पूरा नाम राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। इसके नाम के साथ बैंक जुड़ा है, लेकिन ये बैंक नहीं है, ठीक है। ये गांव और किसानों के विकास के लिए कुछ निश्चित बिंदु है, उस पर काम करता है। क्लब का मुख्य काम है किसानों के लिए जो योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में उनको जानकारी देना, उसका प्रचार प्रसार करना, और समय समय पर किसानों को हम लोग भ्रमण पर भी ले जाते हैं। आपके गांव से करीब 10-12 लोग भ्रमण पर गए हैं, उसमें सुभाष गौरिया जी भी हैं, गए थे। दूसरा, डायरेक्ट कोई लाभ देने का नाबार्ड के पास में कोई इस तरीके का फंड या मद नहीं होता है। किसानों को जो डायरेक्ट सीधे तौर पर लाभ देने का काम कृषि विभाग, उद्यान विभाग का रहता है। नाबार्ड का काम नाबार्ड के तुफाक नहीं जानता कोई, रिलायंस पेट्रोल टंकी के पास एक्सीडेंट हुआ था और एक स्पार्टो इंस्पायर कर दी थी। जिससे शिक्षा विभाग और एलआईसी विभाग का पैसा मिलने में सालों लगे, लेकिन वो एक्सीडेंट का पैसा एक महीने के अंदर खाते में आ गया। इतनी त्वरित सेवा है इस स्कीम के तहत, बशर्ते कि जो बताया अभी पीओ साहब ने कि जागरूकता आप को रखनी है। बीमा कंपनियां तो होशियार होती हैं, वो चाहती हैं कि आपका बीमा हम कर लें और देना भी ना पड़े। अब लेना आपको है, फसल बीमा हो, गाड़ी का बीमा हो या आपका बीमा हो, सबसे अमोल बीमा आप ही को होता है। 72 घंटे के अंदर, जैसा कि बताया आपने कि आपको जानकारी देनी होती है, उसी तरह से आपके साथ कोई कैजुअल्टी होती है, अगर उसकी सूचना आप कहीं नहीं दे सकते तो बैंक में आकर के लिखित सूचना दे दें। ये घटना हो चुकी है, सूचना नहीं देंगे सालों साल बीत जाएगा, कोई पेमेंट नहीं होगा। इसके लिए आप दोषी चाहे सरकार को ठहराए, चाहे बीमा कंपनी को ठहराए, चाहे बैंक को ठहराए। अभी हम गए थे दरपीपुर, तो वहाँ पर केसीसी का ऋण बकाया में ऋण अवेयरनेस कैंप लगा था, तो गांव में एक महिला ने कहा कि भाई हमारा कई साल हो गया सर, लोन बकाया है, लोन मांगने आते हैं, और बीमा का 12 रुपये का हुआ था तो उसका 2 साल हो गया पेमेंट नहीं, एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया था मुंशीगंज में। तो मैंने कहा आपने लिख करके कुछ दिया उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह, कहे साहब बैंक ले जाते थे, बैंक रिसीव नहीं करते थे। तो भाई रिसीव करने के लिए उनसे फार्मेट कोई दिया, हम उनको जाना पड़ा, मैनेजर से बात करानी पड़ी। तो कहे साहब ये उनसे कागज लाते थे, उनसे बताया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो एक्सीडेंट की है वो उसके साथ में आप क्लेम फार्म भरा कर दे दीजिए, हो जाएगा। ऐसा साल से कह रहे हैं जब तक हमें बीमा के नहीं मिलेगा तब तक हम कर्जा नहीं देंगे। तो उनको बीमा फार्म दिला के फार्म भराए, 1-1.25 लाख रुपए कर्जा वापसी का बिना मतलब ब्याज दे रहे थे और फार्म। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।